मिले जल्दी तो मजदूरी को मिले साहब, मिले मजदूरी तो मिले यही नहीं है, बहुत कम मजदूरी है, बहुत कम है। अच्छा क्या वीडियो बना रहा है ओ गुस्सा क्यों खा रहा भाई, हम तो तुम्हारी बात रख रहे हैं, मोदी जी सुनेंगे तुम्हारी बात को है, कोई ना सुने, कोई नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना, मोदी जी अभी सुना, मोदी जी का अकेला काम थोड़ी है, है अकेला काम थोड़ी ना है कि कुलियों को ही देखते फिरे, वो तो चाय वाले रहे आपके बीच में रहे हैं, वो तो पूरा देश भी सुनेंगे। ये दिल्ली, ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली, और यहाँ पर आए हम, यहाँ पर भी हमें सच्ची कहानी मिली। आप देखो यहाँ पर क्या नजारा, और अभी इस छत्तीसगढ़ ने हमको यहाँ उतारा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर क्या नजारा है। 2237 भोपाल झांसी के रास्ते बिलासपुर से आने वाली, मेरठ सहारनपुर के रास्ते अमृतसर को जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 19:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने की संभावना है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ये दिल्ली का जाम हम आपको दिखा रहे हैं, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा है। हम यहाँ पर अपने वाहन का इंतजार कर रहे थे और ये दृश्य हमारे सामने तैर रहे थे। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पैसे भी नहीं लेते हैं, बोल दिया इन्होंने। अच्छा बोल दिया इन्होंने, मोदी जी सुनेंगे तुम्हारी बात को है, कोई ना सुने, कोई नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना, मोदी जी अभी सुना, मोदी जी का अकेला काम थोड़ी है, है अकेला काम थोड़ी ना है कि कुलियों को ही देखते फिरे, वो तो चाय वाले रहे आपके बीच में रहे हैं, वो तो पूरा देश भी सुनेंगे है। ये देखो हजरत निजामुद्दीन के कुली, ये देखिए ये राष्ट्रीय राजधानी है, और ऊपर यहाँ पर भी ट्रेन है, नीचे वाहन चल रहे हैं। आप देख रहे हैं TTI न्यूज, और हम बोल रहे हैं आपसे बंसीवारे की जय। ये देखिए ये गाजीपुर अक्षरधाम लक्ष्मी नगर नोएडा लिखा हुआ आ रहा है, जिस मार्ग पर वो मार्ग जा रहा है अब किधर, दिल्ली की ओर। अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं और जस्ट नाउ अब हम दिल्ली में एंटर होने वाले हैं। ये दिल्ली, ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली, और यहां पर आए हम, यहां पर भी हमें सच्ची कहानी मिली। भैया कहानीकार तो जहां कहीं चला जाएगा वहीं कहानी मिल जाएगी, बिल्कुल। कहानी कौन सी थी, कहानी ये थी कि साहब हम उतरे दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन पर, छत्तीसगढ़ लेट चली थी मथुरा से, ये अक्षय नवमी की परिक्रमा हमारी रही जो मथुरा से दिल्ली के लिए निकली, छत्तीसगढ़ के द्वारा, छत्तीसगढ़ करीब 5:30 बजे मथुरा से अपने निर्धारित समय से विलंब से निकली, और विलंब से निकली तो उस छत्तीसगढ़ ने धुआं मचा दिया रास्ते में, और जो गाड़ी चालक थे उन्होंने गाड़ी को 7:12 पर निजामुद्दीन पर लगा दिया। हम 12 मिनट पर जब वो पहुंच गई ट्रेन
तो हम सात तेरह पर उतर गए। इतना समय लग गया, 7:15 तक हम पहुंच गए ऊपर, जहां पर टाइम भी लिखा आ रहा, दिखाई दे रहा, और अनाउंसमेंट आया इस मध्य की छत्तीसगढ़ 7:45 पर आ रही है। तो आ गई सच्ची कहानी, जो ट्रेन आ गई आधे घंटे से भी पहले, उसका अनाउंसमेंट हो रहा बाद में। तो देख लो भैया भारतीय रेल, हम जब भी कहीं जाते हैं तो वहां का एक नमूना उठाते हैं, उसी से पता चल जाता है कि क्या चल रहा खेल। तो देख लो कैसी चल रही आपकी रेल। ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, आप देखो यहां पर क्या नजारा। और अभी इस छत्तीसगढ़ ने हमको यहाँ उतारा है। आप देख रहे हैं PTI न्यूज और मैं निजामुद्दीन स्टेशन पर हूँ। आप देख रहे हैं कि यात्रीगण आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब अपनी ही धुन में। आप देख सकते हैं हजरत निजामुद्दीन, जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, वहां पर क्या नजारा है। 12,237 भोपाल झांसी के रास्ते बिलासपुर से आने वाली, मेरठ सहारनपुर के रास्ते अमृतसर को जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 19:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने की संभावना है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1823 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस फ्रॉम बिलासपुर वाया भोपाल झांसी और अनाउंसमेंट आया इस मध्य की छत्तीसगढ़ 7:45 पर आ रही है। तो आ गई सच्ची कहानी, जो ट्रेन आ गई आधे घंटे से भी पहले, उसका अनाउंसमेंट हो रहा बाद में। तो देख लो भैया भारतीय रेल, हम जब भी कहीं जाते हैं तो वहां का एक नमूना उठाते हैं, उसी से पता चल जाता है कि क्या चल रहा खेल। तो देख लो कैसी चल रही आपकी रेल। ये भारतीय रेल है भाई साहब। अब आप ये मत कहना कि साहब वो बिफोर आ गई। बिफोर आ गई तो आपका सिस्टम क्या कर रहा था? वो कह रहा था कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 7:45 पर आ रही है।
आने की संभावना है। तो आपके सिस्टम ने ये तो देखा होता कि भाई जो प्लेटफॉर्म हम बता रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर तो वो गाड़ी पहले से ही खड़ी है। अब जो यात्री खड़े हैं वो तो यही सोच रहे हैं ना कि 7:45 पर गाड़ी आएगी, हम उसमें चढ़ेंगे और ये गाड़ी कोई दूसरी होगी जो यहां पर खड़ी है। तो यानी कि उनकी गाड़ी खड़ी है फिर भी वो उसमें चढ़ नहीं रहे होंगे, सभी लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं है, हमारे देश में निरक्षर भी हैं, ग्रामवासी भी हैं। वो तो कह रहे होंगे भाई 7:45 पर आएगी, अभी तो 7:15 हो रहे हैं तो हम तो उसमें चढ़ेंगे। और वो ये दुआ करेंगे कि ये ट्रेन यहां से जल्दी हटे 2 नंबर से। अब वो हटेगी तब वो पूछेंगे कि वो 7:45 वाली ट्रेन कब आएगी, तो उन्हें पता चलेगा कि वो ट्रेन तो निकल गई। तो आप देख लो कितनी बड़ी लापरवाही ये हो गई। आप तो बैठे हुए हैं अपने कमरों में, जानकारी जुटाने की जहमत नहीं उठाते और सूचना प्रसारित हैं कराते। ये दिल्ली का जाम हम आपको दिखा रहे हैं, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नजारा है। हम यहाँ पर अपना ये वाहन का इंतजार कर रहे थे और इस मध्य ये दृश्य हमारे सामने तैर रहे थे। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पैसे भी नहीं लेते हैं। नहीं, बोल दिया इन्होंने। अच्छा बोल दिया इन्होंने, अभी तो बहुत मोल भाव किया इन्होंने। बात अलग है, पहले मोल भाव किया। अच्छा फिर क्या बोले? आपको फ्री बैठा देंगे, कोई बात नहीं। अब कुछ मत देना, चलो लेके देना तो पड़ेगा। हाँ, जब दुनिया का बोझ उठाते हैं। अच्छा ठीक है, और बताइए आप क्या कहेंगे, आप कैसे हैं? हजरत निजामुद्दीन के कुली। अच्छा बताओ। और बढ़िया। बहुत बढ़िया, काम धंधा निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा। क्यों क्यों नहीं निकल रहा? आजकल काम धंधा खा रहा है, ट्रॉली बैग चल गए ना। ट्रॉली बैग चल गए। अच्छा, और कुछ आपके रेट भी ज्यादा दिख रहे हैं हमको। यहाँ पे 800-800 रुपए मांग रहे हैं, फिर वो 500 रुपए में लेके जा रहे हैं, करीब 500 दे देना। पता नहीं था किसने मांगे तुम लोग। अच्छा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? भीड़ लग रही है साहब, ये सराय काले खाए ये सर। सराय काले खाए, भीड़ लग रही है। अच्छा, अरे हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं भाई। हम ये कह रहे हैं कि आपका मेहनत मजदूरी निकल जाती है? नहीं निकल जाती है, कम निकलती है। आप देख रहे हो तो कैसे दाम लग रहा है। तो हमारा बस यही आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा रेट अपने सही कर लो, जैसे कहते ना कि सस्ता मजदूर भूखा नहीं मरता है कभी भी है। क्या कह रहे? मिले जल्दी तो मजदूरी को मिले साहब। मिले मजदूरी तो मिले नहीं नहीं है, बहुत कम मजदूरी है, बहुत कम है। अच्छा आप ओ गुस्सा क्यों खा रहा भाई? हम तो तुम्हारी बात रख रहे हैं। मोदी जी सुनेंगे तुम्हारी बात को है? कोई ना सुने, कोई नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना। मोदी जी अभी सुना, मोदी जी का अकेला काम थोड़ी है, अकेला काम थोड़ी ना है कि कुलियों को ही देखते फिरे। वो तो चाय वाले रहे हैं, आपके बीच में रहे हैं, वो तो पूरा देश भी सुनेंगे है। ये देखो हजरत निजामुद्दीन के कुली,
तो बोल दे बंसी वारे की जय। चंदा और सूरज तेरो ध्यान धरत, ध्यान धरत नौ लख तारे। बंसी वारे।